वो सौंफ का दिखाता था, वो इनमें रुद्राक्ष की माला भी डालता था, वो सौंफ दिखाता कि मैं हिंदू हूँ, पर वो हिंदू नहीं है। मेरी फ्रेंड है की जिसके कल मैंने पहचान करी थी, साक्षी नाम है, ई ब्लॉक से है वो, और उस लड़के के साथ क्या मैटर है क्या नहीं है वो नहीं जानते, पर वो लड़के ने उसे जिस तरीके से मारा है, पर फर्क तो ये फिलहाल ये पड़ता है कि उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं करी गई है। सबसे मेन बात ये, सबों ने देखा उसे, सबो एक फर्क में एक भाई ने चक्कू भी पकड़ा था जिस टाइम पे उसे मार रहा था कि उसको क्यों मार रहा है, तो उसको भी डरा के लिखा धमका दिया गया कि तेरे तू हट जाना, तेरे को भी चक्कू मार, पर इस गली में उसे बचाने की किसी ने, और उसको जब मार के गया वो लड़का 20 मिनट तक जब भी जिंदा थी वो। अच्छा, वो आप बता रही हैं आप उसकी दोस्त हैं, कब से जानती हैं आप? मैं उसे एक हफ्ते पहले से जानती आई हूँ। हाँ, तो वो साहिल जो लड़का है उसको कब से जानती थी, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं? उसके बारे में कभी जिक्र नहीं है, उसके बारे में अभी पता चल रहा है कि वो लड़का है, उसके बारे में अभी जिक्र हुआ, पहले कभी जिक्र नहीं हुआ, और ना कभी उसने भी जिक्र नहीं किया अपने आप से, और ना जिक्र भी कभी जिक्र नहीं, हमेशा रहती थी खुश, पढ़ने लिखने वाली लड़की है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 15-16 साल की है, और एक तो किसी से मतलब नहीं रखती थी, ना लड़कों से ना किसी चीज से। अभी एक्चुअली तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही होगी आपस में, तो मैं हुई होगी घर में, तो वो अपनी फ्रेंड के घर पे रह रही थी 15 दिन से, वो नीतू के घर पे, अभी वो साथ में नीतू भी है, वो नीतू ही बता सकती है वजह पूरी क्या है, पर वो नीतू सामने अभी ई ब्लॉक में है, तो उसके वहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ से तो कुछ होना। अच्छा, वो लड़का कौन से धर्म का था? मोमडन है वो लड़का, अपना नाम साहिल बताता है, उसने पूरा नाम साहिल नहीं बताया था, पर वो साहिल मुस्लिम है, और यहाँ का यही का है वो लड़का, क्या नाम, कलोनी का ही है, यहाँ पलातपुर का ही है वो, उसको कल पकड़ वो सुनाई में आया, पकड़ में तो आ गया, पर मेरे कहने का मतलब ये, आज उस लड़की के साथ जो हुआ है कल को किसी और के साथ ना हो तो उसी बात पर उस पर कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, या तो फांसी कुछ तो की जाए कि आगे लड़कियां सेफ नहीं, आज को वो करा है कल को और लड़का उसको देखी देख कि वो सौंफ का दिखाता था, वो इनमें रुद्राक्ष की माला भी डालता था, वो सौंफ दिखाता कि मैं हिंदू हूँ, पर वो हिंदू नहीं है। अच्छा, वो मुस्लिम है। आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू नहीं है? वो मुस्लिम है, उसका नाम पूरा आ गया है। क्या नाम है? अभी तो लेकिन आपको पता है कि हाँ अभी मुस्लिम है, अभी बताया था उसे। तस्वीरें आई जिसमें लड़का कलावा रुद्राक्ष की माला पहने हुए दिख रहा है, तो क्या किसी और मानसिकता का भी जांच कर रहे हैं? देखिए, सारे एंगल्स पे अभी जांच कर रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो एक बारी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लेंगे तभी बता पाएंगे कि क्या एंगल है क्या नहीं है, तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कह सकते हैं लड़की को जानते थे नहीं जानते थे, क्या रिश्ता था इनके बीच में कुछ? ये अभी तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये है कि शायद जानते थे एक दूसरे को, पर अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है इसमें, उसके बाद ही हम कुछ कॉन्क्रीट बोल पाएंगे।